इतनी मेहनत करते हैं तभी तो नजर भी आता है ना मुझे। तो फिर आप आज से सुपरवाइजर, लेडीज विंग की सुपरवाइजर बन गई है। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। उसके भूल जाने ने एहसास दिलाया कि कभी कभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही पूरे वीराने को रोशन करने के लिए काफी होती है। बेगम साहिबा, आप ही नहीं जानती मेरे बारे में सब कुछ, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं। और ये तो बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूं कि आपके बस की कुछ है नहीं, कि नाक के नीचे जो तमाशा हो रहा है पर आप चुप बैठी हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ऊपर वाले ने किसी चीज को सब आपके लिए भेजा है? लगता है ऐसा। अब तो इस एहसास से थोड़ा डर भी लगता है। तेरा इश्क जो तारी हुआ। वैसे तो आप हर बात की बहुत गहराई में जाती हैं खाला जान, इस बार क्या हुआ? तुम भी मुझे ताने देने आई हो? नहीं खाला जान, मेरी मजाल, मैं तो आपको ये एहसास दिलाने आई हूँ कि जो शहराम गम में एक लफ्ज़ नहीं निकालता था वो आज उस लड़की के लिए आवाज़ उठा रहा है। आपको क्या लगता है वो पढ़ाने आती है यहाँ पर? शहराम पसंद करता है उसे, यकीन नहीं आता तो उसके कमरे में जाकर देख लें। जिस कमरे के पर्दे नहीं खुलते थे वहां पर दिए सजाए बैठा है। कौन से दिए? वो दिए जो महनूर बनाती है। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। है किसी वजह से कह रही हूं तुम्हें, जो जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो, सारे मामलात मुझ पे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। मेरी पसंद का खाना नहीं भी होगा तब भी खा लूँ। कोई फायदा नहीं है आप ही, बिरयानी में आपकी पसंद के आलू तो खत्म हो चुके हैं। मेरी जान, जिंदगी अगर एक आलू छीनती है तो तीन आलू देती भी है। कैसी बहकी बहकी बातें करी, ठीक हो ना? धूप में खड़े होकर पढ़ाएगी तो दिमाग पे तो असर होगा ना। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की ये चकचक से। दुकान की बिजली चली जाती है वक्त पे वक्त, किससे बात करो तो लोग लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं। हर रोज नया मसला। कोई बात नहीं अब्बा, कल तक तो दुकान भी नहीं थी लेकिन अब है, सब ठीक हो जाएगा, बिजली भी आ जाएगी। आयशा, लेकर भी आ जाओ ना बहन का खाना। से पता है कुछ चीजें खुदा की तरफ से आती हैं, वो छीनता भी है नवाजता भी है, इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे जो कुछ मेरे साथ हुआ देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, और आप गवाह हैं इस बात के। हम सबका यहाँ आना इसी में हम सबकी भलाई है। रायता तो दो। अरे यहाँ आलू मेरी चाह। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़ अब्बा। खुदा हाफिज़। क्या है? स्कूल का नक्शा? जी जी, वो शबाज चाचा जो लेके गए थे वही है ये नक्शे, देखिए। कितने दूर अंदेश थे तुम्हारे अब्बू जान, 5 नहीं 10 साल आगे का सोचते थे। ये तो है, पता है अक्सर मैं ये वाली किताबें देखता हूँ और लाइब्रेरी को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या अब्बू जान ने वाकई ये सब पढ़ी होंगी, क्योंकि मैं तो पूरा वक्त भी दूँ ना, 10-20 साल तो लग जाएंगे पढ़ते हुए। अच्छे खासे इंजीनियर आ गए थे तो काम शुरू हो गया था ना, अब तो सारे चले गए, हालात ही ऐसे हैं, कैसे होगा काम अब? खैर अम्मी जान, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जब इंजीनियर्स यहाँ थे तो मैं उन्हीं के सर पे बैठा था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है ना, तो एहसास हो रहा है कि जो करना है खुद ही करना है। उस दिन वो तुम्हारी मेहमान को बुरा तो नहीं लगा था? तब्रेज़ को जरा गुस्सा आ गया था, चीख चिल्ला के बात कर रहा था, कुछ तो कहा होगा उसने? नहीं नहीं अम्मी जान, उसने कुछ नहीं कहा, नहीं आना परस्त नहीं है वो, उसको बस बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन उम्मीद है कि अब तब्रेज़ को ये मालूम हो गया होगा कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। खैर ये भी देखिए आप, इतना पुराना नक्शा चाचा लेके आए, ये देखिए। आप रुके, मैं देखती हूँ। बच्चा था, शरारत कर रहा था। असल मसला ना बच्चों का नहीं, इनके बड़ों का है, समझाते नहीं है वो। आ जाओ, सुबह फिर जल्दी जाना है फैक्ट्री में। जी जी बस निकल रही है थोड़ी देर में। बेटा याद से पानी रख लेना, आज बहुत गर्मी है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग भी पूछ लेते हैं। आयशा, अम्मा ने नाश्ता तो किया है ना? आज कमरे से बाहर नहीं निकली, आवाज बहुत थकी थकी सी लग रही है। हाँ वो ना शायद उनकी नींद पूरी नहीं हुई। इधर देखो जरा मेरी तरफ। क्या बात है? मना किया था उन्होंने बताने से, रात से बुखार में तप रही है। बुखार है अम्मा को? अम्मा, अरे बेटा तुम गई नहीं अभी तक? आपको इतना तेज बुखार हो रहा है और मुझसे ये बात छुपाने की क्या जरूरत है? नाला करके तो तुम खुश रहने लगी हो, फिर तुम्हें परेशान करके बैठा दूं। मैंने दवा ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर आपने दवा ली है तो बुखार क्यों नहीं उतरा अभी तक? आयशा, एक प्याले में पट्टियां डाल के ना बर्फ लेकर आओ, जाओ। किन चक्रों में पड़ गई हो तुम, जाओ ना, तुम्हारा हर्ज होगा। मेरी फिक्र मत करे, हाँ मैं चली जाऊंगी, और अगर एक दिन नहीं गई ना तो कोई हर्ज नहीं। आप लेटे। तो आयशा है ना, कर लेगी ना? मैं करूंगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता मुझसे बातें छुपा के आपको मिलता क्या है। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सारे जमाने की खुशियां दे। आशिक, 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 मैं आपके पास ही आने वाला था। बाहर बच्चे अकेले बैठे। महानूर नहीं आई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंची। शहराम, ब्रेकफास्ट? नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आप कीजिए प्लीज। आप बाकी काम संभालिए जाके, मैं देखता हूँ। चलो भाई बच्चों, आ जाओ अपनी जगह पे। शाबाश शाबाश, आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे टीचर नहीं, मैं आपका शहराम भाई। टीचर मैं सिर्फ आज एक दिन के लिए हूँ। महानूर आप कहाँ हैं? उनको मैंने मैसेज किया है, वो जैसे ही मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो पढ़ाई शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे मौसमों के नाम। ठीक है? आप सब में से किसको पता है मौसमों के नाम? एक करके पूछता हूँ मैं। आप बताएं। गर्मी। गर्मी, वेरी गुड। समर। और किसको पता है? सर्दी। सर्दी, सर्दी, विंटर, बहुत जबरदस्त। और किसको पता है? बस इतने ही होते हैं। नहीं, और मौसम भी होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखें तो होता है समर, ठीक है, आगे बोलिए विंटर, और फिर आता है ऑटम, और फिर स्प्रिंग। समर और विंटर के बारे में, सर्दी और गर्मी के बारे में तो आप सबको पता है। खिज़ां, खिज़ां में रातें लंबी होती हैं और दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। बहार, बहार आपकी टीचर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सो सॉरी आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई ना। क्या सब ठीक तो है ना? जी जी, सॉरी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सकी, वो असल में अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर ऐसी बात थी तो आप ना आती आज, अगर आप कहें तो मैं। नहीं नहीं, इन बच्चों के बगैर तो मेरा भी दिल नहीं लगता। थैंक यू, आपने क्लास शुरू की, मुझे लगा आज ये बेचारे ऐसे ही बैठे होंगे अकेले। अरे ऐसा हो सकता है क्या? ये सिर्फ आपका काम नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी। चलो भी बच्चों, ओवर टू योर टीचर। अब आपको आपकी टीचर पढ़ाएंगी। ये रहा आपका चौक, ये रही आपकी जगह। थैंक यू सो मच। शेहराम भाई, आपने बताया ही नहीं बाहर के मौसम में क्या होता है। बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं, हर तरफ खुशबू होती है, खूबसूरती होती है, रंग होते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आपके फोन पे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, चार्ज नहीं था इसलिए मैंने उतारा नहीं। चारों नाम जल्दी से लिखो, मौसमों के चार नाम होते हैं। मौसमों के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा तो कई दफा है तुम्हें, लेकिन इंट्रोडक्शन कभी नहीं हुआ। मैं जीनत हूँ, शेहराम की कज़न। ओ महनूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। कराची में भी टीचिंग करती थी? नहीं। अच्छा, अच्छा है यहाँ पे भी मौका ढूंढ लिया। शहर से हो? मैंने भी शहर से पढ़ा है। अपॉर्चुनिस्ट हो, अपॉर्चुनिटी तो निकालनी ही पड़ती है। स्मार्ट भी हो। वैसे पता है शेहराम किसी के लिए ये नहीं करते जब तक स्कूल नहीं बन जाता, उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम ही ने ज़िद की होगी। ज़िद नहीं की थी उनसे, एक छोटी सी दरख्वास्त की थी जो उन्होंने मान ली। शेहराम साहब को मैं भी जानती हूँ, इसलिए यहाँ हूँ, और अपनी माँ बाप की परमिशन से हूँ और शेहराम साहब की। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना, मैं चलती हूँ। खाला ने पूरी हवेली की जिम्मेदारी ना मुझे दी हुई है, बहुत काम है। यू कैरी ऑन। लिख लिया? लिख लो। वेरी गुड। जब भी खुशी आती है तो याद दिलाती है कि खुशी ये कभी भी छिन सकती है आपसे। अब ये तो नाइंसाफी है, खुशी के साथ भी और जिंदगी के साथ भी, और उन लोगों के साथ भी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shehram. तेरा इश्क जो तारी हुआ। इसकी तो फिनिशिंग का ही मसला है। ये वाली भी सेल मशीन से जी। तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। बाहर आके खड़े हैं आपके क्लाइंट और इनको क्या जवाब देंगे? आज तो नहीं हो सकती मीटिंग। तो तब्रेक सर बाहर वो वेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? जवाब क्या दूं? बात क्या करूं उनसे? जब सामान ही नहीं रेडी तो कुछ करें आप, बात करें, उनको बोलें कि अब कल आएँ, कल ही मीटिंग होगी, कल तक ये सारा फिक्स करके फिर मुझे दिखाएं भाई। ठीक है ओके सर। चलो गुलजेब आप लोग जाए, मैं आ रही हूँ। जी गुलजेब वो काम है आपको? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए सर। कल रात जो हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों आए थे आप इतनी रात को हमारे घर के बाहर? यही अफसोस की बात है कि आपको पता ही नहीं है मैं क्यों आया था आपके दरवाजे पर। ये गाड़ी का इंजन हीट अप हो गया था। मैं इस हालत में नहीं था कि मैं किसी गैर के दरवाजे पे जाता तो आपके दरवाजे पे दस्तक दे दी। सोचा मदद तो करेंगे आप। आमिर को बताया आपने? बताना चाहिए था ना मुझे, वो मेरी मदद ही करते था कम से कम। मैं नहीं चाहती थी आमिर कुछ गलत सोचे। जब कुछ गलत हुआ ही नहीं गुलजेब तो वो क्यों सोचेगा? गुलजेब कभी कभी ना जिंदगी में बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी छुपानी पड़ती है। बातों को राज ही रखना चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं और समझते हैं वैसा हर कोई नहीं समझ पाता। जिस चोर को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना, हमारे दिल के अंदर ही होता है। सुपरवाइजर की जॉब मुबारक। में आमिर आपको, मेरा मतलब है कि आपका शौहर आपको आपका काम बता देगा। ठीक है सर। हाँ कुछ ठंडा भिजवाओ फौरन से। बेगम साहिबा लाइए, मैं करता हूँ। बस रहने दो, मैं कर लूँगा। बेगम साहिबा आप नाराज़ हैं अभी तक मुझसे। आप जानती हैं कि वो अब आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं कैसे निकालूँ उनके लिए खाना? चुप हो जाओ। होशियारी और अक्लमंदी से सब कुछ हो जाता है। खाना तो अकेले ही खाता है ना वो, सारा दिन उसकी चाय पानी भी चलता रहता है। मसला ये है कि हाशिम पहले पहुंचा होता है उसके काम करने के लिए, उस वक्त तुम कहाँ होते हो? बेगम साहिबा आप तो जानती हैं कि वो अपने सारे काम हाशिम भाई से ही करवाते हैं। कुछ नहीं जानती मैं। जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है उसे पूरी करो। जी। वो बाहर मेहमान के साथ बैठे ही देखे आओ उसे। जी। ध्यान से। जी। तो आपने तबीयत का पता किया अपनी अम्मी जान का? जी जी, बहन से बात हुई थी, वो कह रही थी कि अब तबीयत काफ़ी बेहतर है। बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं किसी की तबीयत ख़राब होने के बारे में सुनता हूँ, बिकॉज यहाँ इलाके में ना ही अद्वियात मिलती हैं और ना ही हॉस्पिटल पहुँचने का कोई तरीका है वक्त पे। बहुत बुरी सूरत हाल है। आपकी नीयत पक्की है ना, तो ये भी हो जाएगा। अच्छे इरादे कभी रायगा नहीं जाते। शहराम, अरे निशा ना, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना तुम नाश्ता करते हो ना अपने आए हुए मेहमान को कुछ खाना पीना पूछते हो, ऐसे कैसे चलेगा? मानूर, कुछ चाहिए हो तो जरूर बताना। शहराम, तुम्हारा नाश्ता रखा हुआ। जी जी, शुक्रिया। मेरी तो कोशिश थी आज मैं ना जाती, लेकिन नाज ने इतनी धूमधाम से सारी तैयारियां की हुई हैं, महफिल ऐसी है छोड़ नहीं सकती। इंशाल्लाह अगले साल मौका मिलेगा, धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह मनाऊंगी। चाय मंगाऊं आपके लिए अगर आप कहें तो? आप ऐसी हर बात छुपाते हैं क्या? क्या छुपाया मैंने? आज इतना बड़ा दिन है और किसी को खबर ही नहीं है। बड़ा दिन नहीं है, इसकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, आप वही दुनिया में नहीं हूँ। कि जाने के बाद हर चीज़ बेमायनी से लगती है। मुराद साहब होते तो आप ये खुशी मनाते ना, तो वो यही हैं आपके साथ, आपकी सोचों में, आपके इरादों में। पता है, पहले मुझे लगता था कि गम भारी होता है, बट अब एहसास हुआ है कि खुशी ज्यादा भारी होती है। जब भी खुशी आती है तो याद दिलाती है कि खुशी कभी भी छिन सकती है आपसे। अब ये तो नाइंसाफी है, खुशी के साथ भी और जिंदगी के साथ भी, और उन लोगों के साथ भी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो है मानूर। अरे शहराम साहब, ठीक है आप? चक्कर से आप कुछ खाया भी नहीं। आप भाई भाई शहराम साहब को जरा कमरे में ले जाइए। आप प्लीज कमरे में जाइए अपने। आप ध्यान से। कौन है? कोई नहीं, बच्चा था, शरारत कर रहा था। अम्मा का बुखार उतरा? जी, बुखार उतर गया है, सो रही हैं। जी शुक्र है। क्या हुआ, थक गई? कुछ हुआ है? मुझे लगता था मायूसी एक कैफियत की तरह होती है, लेकिन अब समझ में आया ये कोई कैफियत नहीं होती, एक मेहमान है जो आपके अंदर ही बसता है, अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही चला जाता है। अब चाहकर भी उसको अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। बात क्या है? शहराम को पता नहीं क्या हो जाता है, अच्छा खासा इंसान अचानक से ढह सा जाता है, फिर ऐसे बिखरता है कि किसी की पहचान में ही नहीं आता। उसके इरादे, उसकी खुशी, सब कुछ जैसे मांद सा पड़ जाता है। अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह उसे यूं देखकर। मुझे लगता है आपके दोस्त बन गए। किसी का एहसास करने के लिए दोस्ती होना जरूरी नहीं, इंसान होना काफी है। समझ आई? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा खाना लगाऊं मैं? हाथ मुंह धो लो फिर खाते हैं। अब्बा वो आपसे एक इजाजत चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम सर। आमिर आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। तो बड़ा परेशान हो गया। खैरियत है ना सर? खैरियत ही तो नहीं है। कराची एक साहब को भेजा था काम करने के लिए, तबीयत खराब हो गई उनकी, काम पे नहीं आ सकते। वैसे तो काम नहीं चलेगा, अर्जेंटली अब किसी भरोसे वाले इंसान को भेजना है। तुम चले जाओ। मैं सर? अच्छा 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 अच्छा। सर कितने दिन लग जाएंगे वैसे? कितने दिन, दिन का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हफ्ते भर का काम होगा मैक्स। हफ्ते में खत्म, फिर वापस आ जाना। अच्छा 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 ठीक है सर। जब आप कहें मैं। नहीं नहीं जब नहीं, आज शाम में। आज शाम? हाँ। अच्छा क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है? तो मैं प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, मैं किसी और को भेज। नहीं 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 सर, मसला तो ऐसा वैसा कुछ है नहीं। नहीं तो बस ठीक है फिर शाम में। कौन सी गाड़ी जाती है? ओ मैं पता कर लूँगा। ठीक है तो तुम तैयारी करो और काम कर लूँगा मैं मैनेज। किसी को बोल दूँगा, गुलदेव को बोल दूँगा, देख लेंगे। ठीक है तुम निकलो। ठीक है सर ठीक। शुक्रिया आमिर। सर शर्मिंदा ना करें सर। सर मेरी प्यारी बहनों, शादी का मामला हो या जिंदगी का कोई और मामला, सिर्फ और सिर्फ सादगी इख्तियार करनी है। हमारा दीन भी यही सिखाता है, सादगी और म्याना रवि। जो भी करना है हद में रहकर करना। जहां आपने हद से तजावज किया वहां जिंदगी आजाब हो जाएगी। जब आप अपनी बेटियों को ब्याह रही हो तो सबसे कीमती जेवर वो नहीं जो वो जहेज में लेकर जा रही है, बल्कि उनका सबसे कीमती जेवर तो आपकी तरबियत है जो आपने उनको दी है। वो सब्र है जिससे वो नए रिश्ते कायम करेंगी, और वो सादगी है जिससे वो अपने नए घर को जन्नत बनाएंगी। तो आइए हम मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमारे घरों को जन्नत बना दे। आमीन। आ जाए पाए खाने के लिए सब। बहुत अच्छा लगा क्या आप आई। मैं आपको चीफ मिनिस्टर की इससे मिलवाऊंगी। ये किशोर शाह हैं। बहुत भूख लग रही है, दे दो। हालिया यहाँ आओ। आप यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान आए हुए हैं, वहां जाओ। पापा मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। नहीं जानती किसी को? अच्छा वो देखो तुम्हारी अम्मा जिन आंटी के साथ खड़ी हैं उनसे जाके मिलो, वो जानती है तुम्हें। वो मुझे जानती है? हाँ जाओ तो सही, कम ऑन। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया माशाल्लाह इतनी बड़ी और प्यारी हो गई। भाई बच्चे कब बड़े होते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं जरा। अम्मा क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी? आईटी के कोर्सेज कर रही हूँ ऑनलाइन, तो वो चल रहे हैं अभी। आईटी? मेरा छोटा वाला बेटा अब्दुल वो भी यही कर रहा है, ये आईटी का कोई कोर्स कर रहा है। Glad to hear। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। शहराम साहब। हाँ बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। कौन? पता नहीं, कह रहे हैं कि ज़रूरी काम है, शायद स्कूल के सिलसिले में मिलना हो। आइए।